अल्टीमेट फैशन गाइड मोटे और स्किनी फैट बंदों के लिए टॉपिक पे बात करेंगे आज। सारे प्रैक्टिकल और बहुत ही इजी टू फॉलो टिप्स लेके आया हूँ आपके लिए। और वीडियो के बिल्कुल एंड की बोनस टिप में आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक भयंकर फिटनेस टिप दूंगा। ट्रस्ट मी, इस अल्टीमेट फिटनेस टिप में कोई भी मेहनत, कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका बैठे बैठे फैट लॉस होगा और आप और फिट होते जाओगे। तो ये कमाल की टिप बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। टिप 1, चूज करेक्ट कलर्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। ये एक पर्टिकुलर चेंज आपके स्टाइल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब इस पर्टिकुलर टिप के पीछे एक सिंपल प्रिंसिपल ये अप्लाई होता है कि जैसे आप थोड़े मोटे बंदे हैं तो पर्टिकुलर आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आप पे डार्क कलर्स ही सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। लाइट कलर्स आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें अपने ऊपर। अब इसके पीछे मेन लॉजिक ये है कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट कलर्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप लाइट कलर्स पहन लेते हैं अपने ऊपर जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो आपके फ्रेम को और भी ज्यादा इनहेंस्ड और भी ज्यादा बड़ा दिखाता है। तो इसलिए ये चीज आपके लिए बहुत डिसएडवांटेजेस हो जाती है। जबकि डार्क कलर्स जब आप अपनी बॉडी पे पहनते हैं जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, नेवी ब्लू, डार्क ग्रे, ये कलर्स लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी की वजह से आपके ओवरऑल फ्रेम को बिल्कुल बैलेंस्ड दिखाते हैं और आपका एक्स्ट्रा फैट भी छुपा लेते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है यार कि व्हाइट कलर्स आपके लिए बिल्कुल खराब है। व्हाइट कलर्स के जबरदस्त यूज में आपको आगे आने वाली टिप्स में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो जरूर से एंड तक देख लो यार। टिप 2, ऑलवेज गेट योर रेडीमेड क्लोथ्स ऑल्टर्ड। यार सबसे पहले तो आप जो ढीले या फिर टाइट कपड़े पहन रहे हो अपने ऊपर वो पहनना बंद करो। ये दोनों ही टाइप के कपड़े आपके स्ट्रक्चर के बिल्कुल अगेंस्ट काम करते हैं और आपके पूरे लुक को रुइन करते हैं हमेशा। आप आज से ये चीज अपने लिए हमेशा फिक्स करो कि आप जब भी रेडीमेड कोई भी कपड़े खरीदो, भले ही अपर वेयर या लोअर वेयर, अपनी बॉडी के हिसाब से उसको हमेशा टेलर करवाओ। मेरी खुद की भी यही आदत है कि मैं जब भी कहीं से भी कोई कपड़े लेता हूँ उनको बाहर पहनने से पहले सबसे पहले मैं टेलर से उसको ऑल्टर करवाता हूँ। कोई भी टेलर्ड वो कपड़े जो आपके बॉडी के साथ एक कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में रहे और आपके फ्रेम पे वो करेक्टली फिट हो, वो आपको और भी ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं और ओवरऑल आपको एक अनबीटेबल लुक देते हैं भले आपका बॉडी टाइप कुछ भी हो। इसके अलावा आप एक और बात ध्यान रखना कि आप राउंड नेक टी शर्ट पहनने की जगह वी नेक टी शर्ट प्रेफर करना आज से, क्योंकि वी नेक टी शर्ट आपके अपर बॉडी को एक स्ट्रक्चर्ड लुक देती है जो कि आपकी बॉडी में जो खुद से ही जो राउंडनेस है उसको बहुत अच्छे से हाइड कर देती है। टिप 3, पफर जैकेट टाइप जैकेट्स को हमेशा अवॉइड करना। जरे पफर जैकेट्स वो टाइप की जैकेट्स होती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा हवा भरी हुई है। जब इन स्लाइटली मोटी जैकेट्स को मोटे भाई लोग पहनते हैं तो उसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर और भी ज्यादा इनहेंस्ड लगता है। तो आप इन जैकेट्स को हर कंडीशन में अवॉइड करते हुए सर्दियों में गर्म रहने के लिए थर्मल्स पहन सकते हैं। मल्टीपल मीडियम थिकनेस की लेयर्स पहन के आप स्मार्टली सर्दियों में गर्म भी रह सकते हैं और अच्छे भी दिख सकते हैं। इसी के साथ विंटर्स ही वो एक सीजन है जिसमें आप अपने लाइट कलर्स का बखूबी यूज कर सकते हो। आप व्हाइट कलर्स को जैकेट के अंदर पहन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अंदर से व्हाइट या लाइट कलर की टी शर्ट पहन ली और बाहर से आपने मीडियम थिकनेस की एक जैकेट पहन ली, ये कॉम्बिनेशन आप पे अच्छा भी लगेगा और आपके एग्जिस्टिंग लाइट कलर्ड वाले कपड़े काम भी आ जाएंगे आपके। पर जैकेट पहनते समय आप इस चीज को नोट करना कि आप जैकेट की चेन नहीं लगाएं। जैकेट की चेन लगाने से वो आपके स्टमक के एरिया में और भी ज्यादा एक्यूमुलेटेड दिखेगी, इसलिए आप बिना जैकेट की चेन लगाए उसे ओपन रखते हुए ही पहने हमेशा। टिप 4, यूज पॉकेट्स एज योर एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि आपसे जब भी हो सके आप अपने अपर वेयर में पॉकेट्स रखना ही प्रेफर करना। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि पॉकेट्स ही वो ऐसी चीज है जो आपके अपर बॉडी को यूनिफॉर्म दिखाएंगी। वो आपके चेस्ट के एक्स्ट्रा फैट को भी छुपा लेंगी और वो आपके चेस्ट को और एक्स्ट्रा निकली हुई बेली को एक सेम प्रपोर्शन में ले आएंगे, जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगोगे। तो इसके लिए आप वो शर्ट जिसके चेस्ट के दोनों साइड में पॉकेट्स होती हैं, डेनिम शर्ट और चेस्ट पॉकेट्स वाली टी शर्ट, ये सब अपरवेयर आप अपने ऊपर पहन सकते हो। इसके अलावा आप अपनी बॉडी को और इंटैक्ट रखने के लिए और अपनी जगह पर रखने के लिए आप अंडर शर्ट, कोई पतली टी शर्ट अंदर से पहन सकते हो और आप बनियान का भी यूज कर सकते हो पसीना रोकने के लिए भी और फैट को अपनी जगह पे होल्ड रखने के लिए। टिप 5, एक्सेसरीज और शूज का बखूबी फायदा लो।
अब यार ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपकी बॉडी में जितना भी फैट है उसमें ज्यादातर आपके पेट में, आपके चेस्ट में या थाई एरिया में है, और आपका जो रिस्ट एरिया है और फीट एरिया है जिनमें यूजुअली फैट जमा नहीं होता वो ऑब्वियसली वैसे ही है। तो आप एक्सेसरीज का बखूबी यूज करके लोगों का उन जगहों से ध्यान हटा सकते हैं जहां पे मेजरली आपका फैट एक्यूमुलेटेड है। सिमिलरली शूज के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाइट कलर के शूज ही प्रेफर करने हैं अपने ऊपर, क्योंकि अगेन आपकी फीट पे फैट बिल्कुल भी एक्यूमुलेटेड नहीं है तो आपके बॉडी के कंपैरिजन में आपके पैरों को बहुत छोटा दिखाते हैं। थोड़े लाइट कलर के शूज पहनने से आपकी बॉडी और आपके शूज एक सही फ्रेम में आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको ओवरऑल अपर वेयर, लोअर वेयर और शू वेयर के कलर कॉम्बिनेशन समझाऊं तो आपको अपर वेयर और लोअर वेयर में डार्क कलर्स प्रेफर करने हैं ताकि आपका मैक्सिमम फैट हाइड हो सके, और शू वेयर में जस्ट उसका अपोजिट करना है, लाइट कलर्स ऑप्ट करना है ताकि आपकी बॉडी और शूज एक सही बैलेंस्ड पोजीशन में आ जाए। टिप 6, कैजुअल क्लोथ्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो सारे क्लोथ्स जो टक इन करके पहनते हैं वो आपकी बैली को, आपके पेट को और ज्यादा इनहेंस्ड दिखाएंगे। तो इसी वजह से कैजुअल क्लोथ्स जो टक आउट करके पहनते हैं वो आप पे और ज्यादा अच्छे लगेंगे। अब टक आउट करके पहनने के लिए वो शर्ट जो नीचे से वी कट वाली होगी या एप्पल कट वाली होगी वो आइडियल शर्ट होती है बाहर रख के पहनने के लिए, और वो ही शर्ट कैजुअल स्लिम फिट शर्ट कहलाती है। सिमिलरली टी शर्ट के केस में क्योंकि सारी टी शर्ट कैजुअल ही होती है इसलिए वो भी आपको एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। पर आप ये भी बात ध्यान रखना कि वो शर्ट जिनके अंदर वी कट नहीं होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी कि स्ट्रेट कट फॉर्मल शर्ट्स, वो फॉर्मल शर्ट्स होने की वजह से अंदर टक इन करके पहनने के लिए ही होती हैं। इसलिए आप उनको बाहर निकाल के पहनने की फैशन मिस्टेक कभी ना करें। फाइनली टिप 7, द बोनस टिप, वो मैजिकल तरीका वेट लॉस करने का बिना कोई एक्सरसाइज के, वो तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इस पर्टिकुलर मेथड को करने के लिए बेसिकली आपको 12 से 16 घंटे का फास्ट रखना है पूरे दिन में, और जो बचे हुए 8 घंटे हैं पूरे दिन के उसमें आप कभी भी खाना खा सकते हो। मतलब जैसे आपने रात को 8 बजे खाना खाया तो आपको अगले दिन में 12 बजे यानी कि 16 घंटे का गैप करके ही अपना खाना खाना है। इस 16 घंटे के फास्टिंग के ड्यूरेशन में आप बीच में बस पानी पी सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी मील नहीं ले सकते। अब इससे मेनली फायदा ऐसे होता है कि जैसे बॉडी को लगातार 16 घंटे कुछ भी खाना नहीं मिलता तो बॉडी जो हमारे शरीर में पहले से ही जो फैट है उसको एज एन एनर्जी सोर्स यूज करने लग जाती है। उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी काफी बढ़ जाता है, हमारा एनर्जी लेवल्स काफी हाई हो जाते हैं और फैट तो रिड्यूस होता ही है। बिलीव मी, ये पर्टिकुलर मेथड साइंटिफिकली भी प्रूवन है और हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है ये, इसलिए ये एक प्रूवन मेथड है वेट लॉस का। इस टॉपिक से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से जाके चेक कर सकते हैं। मैं होप करता हूं आपको ये कमाल की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरी यंग मैन स्टाइल वाली वीडियो और स्टाइल मिस्टेक्स वाली वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार।